की सफाई हो रही है, घर वाल लिप गया है और ये मैं घर धुल रही हूँ, बहुत गंदा है। बर्थडे है मेरा कांति, देखिए दिन इतनी सफाई करनी पड़ रही है मुझे, कुछ सारा घर साफ करना है। इधर मैंने साफ कर लिया है, इधर घर सफाई हो रही है। देखो हमारी दीक्षा भी लिपने में पड़ी है, बेचारी घर की आज सारी लिपाई यही की है। अभी मेरा घर धुल गया है, देख सकते हो साफ लग रहा है एकदम चकाचक। ये घर की सारी सफाई हो गई है और ये देखिए मेरे हाथ में ये दिवाली की सबसे स्पेशल सब्जी है। पता है जब हम लोग छोटे थे ना सारे भाई बहन, तो मम्मी ये कह के खिला देती थी कि आज के दिन सूरन खाना चाहिए नहीं तो सचुंदर का जन्म पाओगे। तो हम लोग एक एक गड़िया खा लेते थे उसी में, और फिर जब थोड़ा बड़े हुए तो फिर कहती थी कि आज खा लो, आज के दिन खाना चाहिए नहीं तो फालिश पड़ेगी, इसको खाने से ना कहते हैं 3 साल फालिश नहीं पड़ती है, तो खा लेते थे। अब तो खैर पसंद है, खा लेते हैं। मेरे यहाँ दिवाली पे हर दिवाली पे ये बनता है, ये तो स्पेशल है दिवाली की सब्जी। तो आपके यहाँ बनती है कि नहीं बनती है? बहुत अच्छी सब्जी बनती है, बढ़िया अच्छे से उबाल के इसको बनाया जाता है, बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, एकदम मसालेदार। ऐसे बनाना चाहिए, काफ़ी सेहत के लिए अच्छी होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, अच्छी है। बर्थडे में मैं सुबह सुबह गई थी खेत में चरी काटने, इतनी सारी चरी लेके आई हूँ, ये देखिए इतनी सारी है। किसी का बर्थडे ऐसे होता है क्या? लेकिन हम क्या करें, हमारा बर्थडे ऐसे ही होता है। ये देखिए इतनी सारी चरी लदी हुई है, अभी इसको काटना भी है मशीन में। बर्थडे क्या होता है हमारा, हम तो ऐसे ही सारा बर्थडे अपना सेलिब्रेट करते हैं, पूरे दिन ही काम वगैरह किया करते हैं, ऐसे ही बर्थडे। कुछ होगा नहीं मेरे बर्थडे पे, घर वाले भी अभी तक एक दो लोग विश किए हैं, बाकी जो नहीं किए हैं वो तो पता ही है सबको कि मेरा बर्थडे है, पर कोई विश नहीं किया अभी। ये ठीक है, जिसको करना हो करेगा, नहीं करना है करे। और ऐसे काम वगैरह तो सारा होता ही रहेगा, यही है बर्थडे पे कोई सेलिब्रेशन वगैरह होता नहीं है, और इतना सारा काम करना पड़ रहा है, थक तो वैसे भी जाएंगे। ऐसा बर्थडे ना हो किसी का, बस मेरा तो बिल्कुल ना हो अगली बार से। सच में बता रही, इस बार बर्थडे क्या मनाते तो वैसे कभी नहीं थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रही है। हमेशा दिवाली के आसपास रहता है तो यही सब रहता है मेरे बर्थडे पे। ये फिर हाँ बेटा, और ये देखो आ गए, आ चलो आ जाओ, अभी बर्थडे पे जा रही हूँ मैं गोलगप्पे खाने, आ जाओ बेटा। बर्थडे पार्टी के पास गरिया है, कितनी अच्छी डिब्बी है, कावरे जीरा भरे इधर देखो भैया, हमको बतासे मटर नहीं दिए हैं और लास्ट में पापड़ी में चटनी भी नहीं दिए हैं। चेहरा देख लो अच्छे से, यही है चाट वाले भैया हैं, हमको बर्थडे में गिफ्ट दे रहे हैं, हम देखो क्या मिलता है। पापड़ी नहीं लेंगे हम ना, ले कुछ अच्छा लाओ भैया, एक तो बतासे खिलाए हैं उसमें ना मटर नहीं थी, प्याज तो डाले नहीं, मिर्ची डालने के लिए बोला वो भी नहीं डाले, अभी कितनी सी हमको दे रहे हैं, डूब मरो पानी में चटनी में हाथ धो गए, इतनी बढ़िया है। कि मेरी बर्थडे का पहला गिफ्ट एक पापड़ी वाली चटनी। आम हुई और मेरे यहाँ इनकी मम्मी का इंतजार होने लगा, लगानी है घर में, इतनी सारी लाइटें हैं आज, बस भी काम है बहुत ज़्यादा, सबके घर में लाइटें लग रही हैं आज,
लगना शुरू हुए हैं, तो सब लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी अपने घर पे लगा लेती हूँ। मम्मा आ गई, देखो ये चले आ रहे हैं सब लोग। शाम हो गई है ना। ये लाइट लग गई है। ये मेरी मम्मी रसगुल्ले बना रही है। यहाँ छत पे बन रहा है। अपने घर पे लाइट लगा रहे हैं। सारी घर पे लाइट लगानी है। ये मुझको एक रसगुल्ला मिल गया है। ज्यादा सीरा वीरा पी गया है, बिल्कुल एकदम मोटा हो गया है। तो हमको बर्थडे गिफ्ट मिला, पता है क्या है? ये है 10 की नोट, इतनी छोटी सी। भैया रख ले, कल गोलगप्पे खाएंगे फिर से। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और एक प्यारा कमेंट कर दीजिएगा। और आपसे मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय।